इसके बाद मेंटेनेंस मॉडल्स, जैसे पहले हम मॉडल्स पढ़ते आए हैं अलग अलग चीजों के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के और चीजों के, ठीक है, वैसे ही मेंटेनेंस के भी मॉडल्स हैं। सबसे पहला क्विक फिक्स मॉडल, सबसे आसान, जैसे ही प्रॉब्लम मिले उसको फिक्स कर दो, जैसे ही मिले फिक्स कर दो। इसके एडवांटेजेस क्या है, जो ब्लू कलर से लिखे हैं एडवांटेजेस हैं, ब्लैक वाले डिसएडवांटेजेस हैं। बेनिफिशियल व्हेन सिस्टम इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल पर्सन, एक ही आदमी ने अगर सिस्टम बनाया भी है और वही उसको फिक्स कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए आसान होगा प्रॉब्लम को ढूंढना, फिक्स करना। उसको पता होगा कि उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने से या उस प्रॉब्लम की वजह से और कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसको पता होंगी कि अगर ग्रुप ने किया तब ये उतना अच्छा तरीका ये नहीं है, क्विक है, चीप है, ठीक है, कोई इसमें प्रोसेस कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम सीधा फिक्स कर दे रहे हैं प्रॉब्लम। गिव राइज टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, अब जल्दी से फिक्स हो जा रहा है, क्विक है, इसलिए नई प्रॉब्लम्स को ये राइज दे सकता है, ठीक है। तो लेकिन छोटे सॉफ्टवेयर्स में ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, कोई हमें प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं। अगर बड़ा सिस्टम है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स दे सकता है कि एकदम से फिक्स कर दिए, उसकी वजह से जो और प्रॉब्लम्स ऑकर होंगी, उस एरर को फिक्स कराया जिस तरीके से हमने, वो हम अभी से नहीं एनालाइज कर पाए हैं जो भी और प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो लेकिन बड़े सिस्टम्स में ही ऐसा होगा कि और प्रॉब्लम्स इस तरीके से आए। सेकेंड है आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम मिलने पे ही हम फिक्स करें, हम ऑलरेडी जो हमारे पास सिस्टम है उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम है उसको एनालाइज करते रहेंगे, चाहे प्रॉब्लम आ रही है चाहे नहीं आ रही। एनालाइज करते हुए हम क्या ढूंढेंगे, एक तो करेक्टराइज प्रपोज मॉडिफिकेशन, क्या क्या मॉडिफिकेशन उसमें होनी चाहिए, उनको करेक्टराइज कर लेंगे, ग्रुप में एक बांट लेंगे। रीडिजाइन करंट वर्जन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उन मॉडिफिकेशन से हम एक नया वर्जन निकाल लेंगे, नया वर्जन एक रीडिजाइन करके निकाल लेंगे। ये एनालिसिस हमारा चलता रहेगा, हमेशा ही चलता रहेगा ये, ठीक है, जब तक हमारा एक बेसिकली बिल्कुल स्टेबल एक सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप हो जाता। जरूरी नहीं है इसमें प्रॉब्लम आए, कुछ पिछले मॉडल में जरूरी था कि प्रॉब्लम आएगी तभी हम फिक्स करेंगे, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके एडवांटेजेस वही हैं, क्विक है, इजी है, जो भी उसके एडवांटेजेस है, लेकिन डिसएडवांटेजेस कुछ अलग है। नो अवेलेबिलिटी ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन, अब पूरे के पूरे सिस्टम को आप एनालाइज करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादातर सिस्टम की फुल डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं। मेंटेनेंस टीम कैन नॉट एनालाइज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कंप्लीटली, पूरे सिस्टम को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, डॉक्यूमेंटेशन हो तब भी मुश्किल है। ये इसमें बाकी पहले से देख लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम आने पर ही कई चीजें पता चलती हैं, ठीक है। तो आइटरेटिव एनहेंसमेंट मतलब हर आइटरेशन के साथ सिस्टम हमारा एनहेंस होता जा रहा है, एक बढ़िया सिस्टम होता जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है एनालाइज करना कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या सुधार चाहिए। बेसिक तीन चार आइटरेशन तो आप कर लोगे, उसके बाद काफी मुश्किल हो जाता है। रीयूज ओरिएंटेड मॉडल, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास पिछला कोड है उसी को रीयूज करके हम एक नया, जो भी हमारे पास हमारा नया प्रोटोटाइप या नया सॉफ्टवेयर आप कह लो, वो हम बना लेते हैं। मेंटेनेंस कुड बी डन बाय रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम कंपोनेंट्स, एग्जिस्टिंग जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको रीयूज करके बना लेते हैं। स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ ओल्ड सिस्टम दैट आर कैंडिडेट्स फॉर रीयूज, पिछले किन किन में हमें सुधार करना है पिछले कंपोनेंट्स में, और उनका किन कौन कौन से उसमें से रीयूज के लिए अवेलेबल है। अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम पार्ट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ ओल्ड सिस्टम पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडिफाइड पार्ट्स इनटू न्यू सिस्टम, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। इट कुड बी सीन एज अ मॉडल विच कीप्स ऑन डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स आफ्टर प्रोटोटाइप्स, सबसे पहला वर्जन, उसके बाद प्रोटोटाइप आया, फिर प्रोटोटाइप, फिर प्रोटोटाइप, फिर प्रोटोटाइप, जब तक फाइनल वर्जन नहीं आ जा रहा। रीयूज ओरिएंटेड मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं, मैं नहीं चाहता ज्यादा वीडियो लंबा हुआ, सब चीजें मैंने लिख दी है, बेसिक बेसिक काफी सारे मॉडल्स हैं, आप कम से कम चीजें याद रखने की कोशिश करें, ज्यादा चीजें आप याद रखेंगे तो सारे मॉडल्स में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। फोर्थ और आखिरी मेंटेनेंस मॉडल है आपका टॉट मेंटेनेंस मॉडल, इसमें बेसिकली 8 स्टेप्स या फेजेस आप बोल सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के। सबसे पहला है चेंज रिक्वेस्ट, कि क्लाइंट से या कस्टमर से आपको चेंज रिक्वेस्ट एक बेसिकली प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में या फिर एक बिल्कुल वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से प्रेजेंट की जाएगी कि ये चेंजेस उसे चाहिए या जो भी मॉडिफिकेशन उसे चाहिए हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आप उसको एनालाइज करेंगे उस रिक्वेस्ट को और एक एस्टीमेट करेंगे कि कितना आपको टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने में आएगी। फिर आप शेड्यूल करेंगे, पूरा प्लान करेंगे कि किस किस दिन किस हिसाब से होगा, फाइनल डिलीवरी किस दिन रखी जाएगी, वो सब। प्रोग्राम में बेसिकली प्रोग्रामिंग फेज आ जाएगा आपका, कोडिंग फेज आ जाएगा कि आप अब उस चेंज को बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी रिक्वेस्ट आई थी उसको सही, मतलब उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कोडिंग कर रहे हैं। लास्ट में टेस्टिंग फेज है और फिर डॉक्यूमेंटेशन फेज है कि जो भी हमने चेंजेस कर रहे हैं तो एक नया वर्जन निकल गया है सॉफ्टवेयर का, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए। ये पिछली डॉक्यूमेंटेशन को ही मॉडिफाई भी किया जा सकता है और एक नई डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई जा सकती है, लेकिन पिछली को अगर आप मॉडिफाई करके बनाएं तो ज़्यादा आसानी से आपका कम टाइम में हो जाता है। उसके बाद उसको आप रिलीज कर देंगे, फिर उसका ऑपरेशन फेज आ जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर अब फाइनली चल रहा है। और ये बेसिकली ये जो मेंटेनेंस मॉडल है ना, ये सिर्फ तभी नहीं होगा जब सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आई है, ये कॉन्टिन्यूसली आप देखें चलता जा रहा है। जब एक बार ऑपरेशन हो गया उसके बाद दोबारा से भी चेंज रिक्वेस्ट मिलती रहेगी, उसके बाद चलता रहेगा। तो ये बेसिकली ये लूप है एक तरीके का, ठीक है। तो लगातार चेंज रिक्वेस्ट इसमें आती जाएंगी, दोबारा ऑपरेशन होता जाएगा, फिर चेंज रिक्वेस्ट, फिर ऑपरेशन, इस तरीके से जब तक वो सॉफ्टवेयर
बेसिकली ऑब्सिलीट नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से 8 फेजेस में इसको बांटा है। आपको एग्जाम में अगर ये लिखने को आया तो आप इन सारे फेजेस को अलग अलग करके एक्सप्लेन भी कर गए हैं जो मैंने चीज़ें आपको बताएंगे, तो आपका आंसर और बड़ा हो जाएगा, 1.5 से 2 पेज का हो जाएगा। और वीडियो हमें लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको छोटी सी छोटे तरीके से ये बताया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।